हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समद्विबाहु है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये तीन बिंदु दिए हैं, हमें बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु हैं। समद्विबाहु यानी क्या ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर आते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी। मैंने नाम दे दिया, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। तो मान लीजिए ए बी और सी दिए गए बिंदु हैं, तो हमें बताना है कि क्या ये बिंदु समद्विबाहु हैं। अब देखिए, बिंदु समद्विबाहु तब होंगे जब किन्हीं दो रेखाखंडों का जोड़ तीसरे रेखाखंड के बराबर हो। यहाँ रफ में समझिए, देखिए मान लीजिए इस तरह से ये एक रेखा है और इस पर ये तीन बिंदु हैं ए बी सी। अब देखिए, यहाँ पे तीन रेखाखंड हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन रेखाखंड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी, बी सी और ए सी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल रही हूँ, यानी ए से बी तक की दूरी निकाल रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने बिंदु ए और बिंदु बी लिख लिया है। अब ए बी निकालना है, यानी ए से बी तक की दूरी निकालनी है, तो हम ये दूरी सूत्र का यूज करेंगे, इसे हम दूरी सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये ए है, ए के निर्देशांक क्या है, 1 और 5, यानी ये एक्स वन है, ठीक है, और ये है वाई वन। फिर यहाँ पर ये बिंदु बी के निर्देशांक है, ये एक्स टू है और ये है वाई टू, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो देखिए वर्गमूल, फिर उसके बाद एक्स टू, एक्स टू क्या है यहाँ पे 2, माइनस एक्स वन क्या है यहाँ पर 1, तो इसका स्क्वेयर। फिर प्लस वाई टू क्या है यहाँ पर 3, माइनस वाई वन क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वेयर। फिर वर्गमूल, 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 का स्क्वेयर। फिर प्लस 3 माइनस 5 है, तो 5 में से 3 माइनस करा कितना आ गया 2, 5 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो -2 का स्क्वेयर, ठीक है। फिर देखिए, 1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए -2 का स्क्वेयर करना है, यानी -2 जो है 2 बार गुणा होगा, पहले माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 2 गुणा 2, 2 को 2 बार गुणा करा कितना आया 4, तो क्या आ गया 4। वर्गमूल 1 प्लस 4 क्या आ गया 5, तो ए बी क्या आ गया √5। अब हम बी सी निकालेंगे। अब देखिए, बी सी निकालना है तो मैंने यहाँ पर पहले बिंदु बी और बिंदु सी लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, बी सी निकालना है तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर बी के निर्देशांक ये हैं, यानी ये एक्स वन है, ये है वाई वन। अब इसमें ये एक्स टू है और ये वाई टू है, ठीक है। तो देखिए, वर्ग में हमने ऐसे लिखा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर, एक्स टू क्या है यहाँ पे -2, फिर माइनस एक्स वन क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वेयर। फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर है, y2 क्या है यहाँ पे -11, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वेयर। अब देखिए, दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस करेंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, पर साइन माइनस का है, तो -4 का स्क्वेयर, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ भी देखिए दोनों नंबर जो है माइनस में है, तो दोनों प्लस होंगे पर साइन माइनस का आएगा, तो 11 प्लस 3 कितना आ गया 14, और साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और फिर स्क्वेयर, अब देखिए -4 का स्क्वेयर निकालना है, ठीक है, यानी -4 को 2 बार गुणा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले -2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 कितना आया 4 चौके 16, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे -14 को 2 बार गुणा करना है, ठीक है, तो देखिए -2 बार गुणा करेंगे कितना आया माइनस माइनस प्लस, फिर 14 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 14 गुणा 14 कितना आ गया 196। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करने पे क्या आ जाएगा 212। अब देखिए 212 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 4 गुणा 53, क्योंकि इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो 212 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 53 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये वर्गमूल 53 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो बी सी क्या आ गया 2 वर्गमूल 53।
अब हम देखिए एसी निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे बिंदु ए और बिंदु सी लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु ए के निर्देशांक हैं, तो ये है एक्स वन, ठीक है, और ये है वाई वन, फिर यहाँ पर ये एक्स टू है और ये है वाई टू, ठीक है। अब देखिए हम ए से निकाल रहे हैं बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी, तो यहाँ पे ये दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम। तो देखिए ये अंडर रूट यानी कि वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा, फिर क्या एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू क्या है यहाँ पे माइनस दो, फिर माइनस लिखा एक्स वन का, एक्स वन क्या है यहाँ पर एक इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर है, वाई टू क्या है यहाँ पे माइनस ग्यारह, तो ये लिख लिया हमने, फिर माइनस लिखा वाई वन क्या है यहाँ पर पांच, तो वाई वन की जगह यहाँ पांच लिख लिया इसका स्क्वायर। फिर देखिए दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस करेंगे पर साइन माइनस का आएगा, तो दो प्लस एक तीन आ गया और साइन माइनस का, तो माइनस तीन का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों नंबर माइनस में है तो हम प्लस कर लेंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 11 प्लस 5 कितना आ गया 16, पर साइन जो है माइनस का आएगा और फिर ये स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस तीन का स्क्वायर करना है यानी माइनस तीन को हम दो बार गुणा करेंगे, पहले हम माइनस को दो बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन को दो बार गुणा करा तीन तीन नौ आ गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए माइनस को दो बार गुणा करूंगी कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, अब 16 को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 गुणा 16 कितना आ गया 256, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे क्या आ जाएगा 265। अब देखिए 265 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ए सी क्या आ गया है अंडर रूट 265। देखिए यहाँ रफ में समझिए, देखिए ए बी हमने निकाला कितना आया अंडर रूट 5, बी सी निकाला था तो कितना आया 2 अंडर रूट 53, ठीक है, और ए सी हमने अभी निकाला तो कितना आया अंडर रूट 265 आया। अब यहाँ पर आप देखिए किन्हीं भी दो रेखाखंडों का जोड़ करें तो क्या वो तीसरे रेखाखंड के बराबर आता है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ये दो रेखाखंड ले लेती हूँ, तो देखिए ए बी प्लस बी सी इन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या प्लस करने पर अंडर रूट 265 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप ये दो रेखाखंड ले लीजिए, अब जब मैं इन दो रेखाखंडों को प्लस कर लूंगी तो क्या इन दोनों को प्लस करने पर अंडर रूट 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किन्हीं दो रेखाखंडों का जोड़ अगर निकाले तो वो तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बिंदु ए बी और सी जो कि हमें दिए गए हैं बिंदु वो संरेखीय नहीं है, यानी तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर किन्हीं दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर नहीं है तो अतः बिंदु ए बी और सी संरेखीय नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जांच कीजिए क्या क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी, मैंने मान लिया ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, तो मान लीजिए ए बी और सी ये दिए गए बिंदु है। अब मुझे बताना कि ये क्या तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की पहले तीनों भुजाएं निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ए बी, ठीक है, पहली भुजा ए बी हो गई, फिर बी सी और फिर ए सी ये निकाल लेंगे, तो देखेंगे क्या दो भुजाएं बराबर आ रही हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी निकाल दूँ, तो यहाँ पर मैंने देखिए बिंदु ए और बिंदु बी लिख लिया है, ठीक है, ये है बिंदु ए के निर्देशांक यानी ये एक्स वन है, ठीक है, और ये है वाई वन, फिर ये बिंदु बी के निर्देशांक है ये एक्स टू है और ये है वाई टू। अब ए बी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे लिख लिया, सबसे पहले क्या एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू क्या है यहाँ पे 6, तो एक्स टू की जगह 6 लिखा, फिर माइनस एक्स वन क्या है 5, तो एक्स वन की जगह 5 लिख लिया, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस वाई टू क्या है यहाँ पे देखिए 4, माइनस वाई वन क्या है माइनस 2 है, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ी ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्योंकि अब छोटी ब्रैकेट तो अंदर आ जाएगी ना, वाई वन क्या है माइनस 2, दो साइंस कभी भी इकट्ठे नहीं दिखते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट पाई है, फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज होगी और क्या है ये स्क्वेयर, फिर वर्गमूल, ठीक है, 6 - 5 क्या आया 1 का स्क्वेयर, फिर प्लस 4 ऐसे लिखा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वेयर, तो देखिए 1 का स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर प्लस 4 + 2 कितना आ गया
का स्क्वायर। फिर देखिए एक ऐसे लिखा कि प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 कितना आया 36। तो 1 प्लस 36 कितना आ गया अंडर रूट 37। तो ए बी क्या आई अंडर रूट 37। ठीक है, अब हम दूसरी भुजा निकाल लेंगे, अब हम बी सी निकाल लेंगे। तो देखिए बी सी निकालना है तो मैंने बिंदु बी और बिंदु सी लिख लिए हैं। ठीक है, अब बी सी निकालना है तो इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तब यहाँ पे देखिए ये बिंदु बी के निर्देशांक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्स वन है, ये है वाई वन। ठीक है, फिर ये एक्स टू है और ये है वाई टू। देखिए वर्गमूल ऐसे लिखा, अब क्या है एक्स टू, एक्स टू क्या है यहाँ पे 7, फिर माइनस एक्स वन क्या है 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई टू क्या है यहाँ पर -2, फिर माइनस वाई वन क्या है यहाँ पर 4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर वर्गमूल हमने ऐसे लिखा 7 में से 6 माइनस करा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस होंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 2 प्लस 4 क्या आया 6 पर साइन माइनस का आएगा, तो -6 का स्क्वायर, फिर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस -6 का स्क्वायर करना है तो देखिए माइनस को 2 बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 2 बार गुणा करा 6 6 36 आ गया, तो 1 प्लस 36 कितना आ गया अंडर रूट 37। तो देखिए बी सी क्या आया अंडर रूट 37। ठीक है, और ए बी भी क्या आ रहा है अंडर रूट 37। तो यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी बराबर आ रही है, यानी दो भुजाएं जो है त्रिभुज की बराबर आ रही है, तो यानी ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अतः बिंदु ए बी और सी जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और हमें यही बताना था।